हेलो गाइज, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज का जो डेट है, आप जानते हैं कि आज आपका 22 नवंबर था। और 22 नवंबर को जो पीयू के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग पीजी का जो एडमिशंस का प्रोसेस था, आज से स्टार्ट भी हो गया। सारे एडमिशंस के प्रोसेस में जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और साथ में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए, आपका मेरिट में आपका नाम आ जाए, तो क्या सारा गलती करने से आपको बचना है। प्लस आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, वो सारा क्राइटेरियाज भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ, चूंकि एक वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करना बहुत ही टफ हो जाता है। बट कोशिश करता हूँ पार्ट बाई पार्ट बना करके सारा इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर दूँ। और यह भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक तो कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं मिले हैं जिनका मैं अप्लाई करके पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखा सकूँ, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कोई भी एक कैंडिडेट आगे बढ़ करके हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट के सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद एटलीस्ट उनका कम से कम सपोर्ट भी हो जाएगा और दूसरे के लिए भी सपोर्ट हो जाएगा वीडियोज़ के जरिए से। तो आप कोई भी एक कैंडिडेट कनेक्ट हो, ताकि उनके थ्रू फिर वीडियो दूसरे के लिए लाइव किया जा सके। और इस बात का मैं प्रॉपर ख्याल रखूंगा कि आपके जो प्राइवेसी डिटेल है, मैं उसको हाइड रखूंगा, तो आप इसके लिए आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ तक जो प्रोसेस स्टार्ट होने की बात है, तो आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद जो अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो सेक्शन मिलता है। एक मिलता है ऊपर का सेक्शन फॉर वोकेशनल कोर्स के लिए, साथ में वोकेशनल कोर्स के साथ LLB, BFA एंड BLIS यानी बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस और बैचलर इन फाइन आर्ट्स और लॉ में जो आपका है, ये वोकेशनल कोर्सेज के कोर्स हैं। और जो अभी जो कोर्स है जिसमें आपका एडमिशन का प्रोसेस जो आज से स्टार्ट हुआ, वो PG रेगुलर सेशन 21-22 का एडमिशन का प्रोसेस है। तो चलिए इस ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। और इसके बाद फिर फर्दर आपको रीडायरेक्ट किया जाता है, इस टाइप का पेज आता है, लगभग यूजी के टाइप के ही जैसा पेज है और यूजी के टाइप के ही जैसा प्रोसेस भी है। प्रोसेस आसान है। इसमें पहले क्या करना होता है, यहाँ पे देखे है लॉग इन, कॉन्टैक्ट अस और न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन पीजी कोर्सेस। आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके फर्दर प्रोसीड करना है, बट वो तो आगे की बात है। अभी मैं आपको पहले एलिजिबिलिटीज की क्राइटेरियाज बता दे रहा हूँ। इसके बाद एक बार मैं एक वीडियो और दूंगा जिसमें मैं आपको न्यू एप्लीकेशन प्लस लॉग इन करने के बाद किस तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह को अपलोड करना है, वो वाला वीडियो भी जल्द ला दूंगा। तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई कैंडिडेट आगे स्टैंड अप होकर के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने का एक चांस जरूर दें। और अगर इस पूरे प्रोसेस को फिनिश करने में एनी अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम होता है, देन कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट करके फर्दर पीयू से सपोर्ट कर दे सकते हैं, या फिर उनका जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे प्रोसेस के बारे में सिंपल से बताया भी गया कि पहले क्या करना है, अपने आपको रजिस्टर करना है आपको। इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर पर लॉग इन के जो डिटेल्स है, यानी लॉग इन आईडी और आपका पासवर्ड आपको मिलता है। इसके बाद क्या करना है, आपको लॉग इन हो जाना है लॉग इन वाले सेक्शन से। इसके बाद पूरा एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है विद करेक्ट डाटा के साथ। डाटा आपको कोशिश करना है कि सही भरे, नहीं तो फिर डाटा आपको एडिट करने का चांस वगैरह नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद फाइनल प्रिंटआउट अपने पास रखना है। ये जो स्टेप्स हैं, तो इसमें एक स्टेप आपका, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप, पांच स्टेप में ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब जो इसका जो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर वाले डिटेल को आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अप्लाई करने से पहले। इसलिए अप्लाई करने वाले वीडियो से पहले मैं इस अपडेट को आपके साथ शेयर भी कर दे रहा हूँ। अगर कोर्स प्रोग्राम वाइज अगर डिटेल्स पर क्लिक करूँ, तो एक PDF आपके साथ डाउनलोड होता है। आपको क्या करना है, PDF को ओपन करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पटना यूनिवर्सिटी का हैशटैग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे मिल जाता है एडमिशन का डिटेल। ये जो सेशन है, ध्यान रखिएगा 21-22 का सेशन है। और आप जानते हैं कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये 2 साल का कोर्स होता है, बट अभी जो टाइम चल रहा है वो एक सेशन के लिए आपका है, यानी 2 सेमेस्टर के साथ 21-22 का। इसके बाद 22-23 का फिर आपको एडमिशन लेना है, मतलब उसके लिए आपको इंट्रेंस वगैरह या फिर टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अभी आपका फर्स्ट पार्ट में एडमिशन हो रहा है। जानते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको एडमिशन लेना है, इसके बाद सेकंड पार्ट आपके फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट के बेसिस पर फिर आप सेकंड पार्ट में आप आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। जो सारा डिटेल्स है, वो डिटेल्स भी आप बखूबी तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स को आप प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा। मैं अभी किसी स्पेसिफिक के लिए बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एक प्रोसेस एक मैं सिंपल से एक किसी भी पार्ट के लिए बता रहा हूँ और इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द प्रोग्राम मिल जाता है, किस पार्ट में आपको एडमिशन लेना है, तो MSc बॉटनी में है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन से जो कंप्लीट कराएगा, तो आपका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यानी जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, वो आपको कंप्लीट कराएगा। यहाँ पे आपको बताया जाता है टाइम, तो 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर में पूरे कोर्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ बताया जाता है कि डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट डेट कब होगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा नो टेस्ट, इसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होने वाला है। सीट इसमें देखिए 32 सीट है। और यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एलिजिबिलिटी में ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि वैसे स्टूडेंट, यानी जो यहाँ का जो ऑनर्स जो फैकल्टी, यानी यहाँ का जो प्रोग्राम है, उसमें वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स का बैचलर डिग्री में ऑनर्स हो या फिर ऑनर्स के साथ सब्सिडी हो। जिनका ऑनर्स होगा, सब्सिडी होगा, वो इस सारे कोर्स को आप टेकअप कर सकते हैं, या फिर आपको अदर भी प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में आपको मिल सकता है। यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, इसे देखिए मैं जूम करके जूम आउट करके आपके लिए बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि प्लस आपको यहाँ जो कोर्सेस है, यहाँ सारा आपको बताया जा रहा है कि मतलब जो बॉटनी का जो यहाँ पे जो कोर्स है, आप किस टाइम ले सकते हैं, मतलब आपका जो पीछे का जो बैक ईयर था उसमें आपको कौन सा कोर्स कंप्लीट करना था। तो यहाँ बताया जा रहा है बैचलर डिग्री आप BSc के साथ है, या फिर आपका बॉटनी आपका, या तो आप बॉटनी से ऑनर्स की रहना चाहिए, या फिर आपका बॉटनी से आपका कम सब्सिडी में होना चाहिए, या फिर अगर आपका
सब्सिडरी का पेपर या फिर आपका ऑनर्स का पेपर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए या फिर आपका बीटेक होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, लाइफ साइंस में हो या फिर बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, ये सारे अगर सब्जेक्ट भी आपके एटलीस्ट कम से कम होते हैं तो फिर आपको बॉटनी ऑनर्स प्रेफर किया जाता है, मतलब बॉटनी में आपका जो पीजी है पोस्ट ग्रेजुएट है वो आप एलिजिबल है। यहाँ पे आपको चार्जेस बताए जा रहे हैं जो आपको एडमिशन के चार्ज में टोटल जो चार्ज आपको पड़ जाएगा वो 2560 रुपया, 2060 रुपया, 500 प्लस 500 रुपये, इतना रुपये टोटल आपको चार्ज पड़ जाएगा एडमिशन के टाइम में। इसमें देखिए बताया जा रहा है क्लियरली कि ये आपका फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का है और कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो डिपेंड करता है आपके कैटेगरी पे। और यहाँ आपको कुछ एड्रेस वगैरह है कि किस डिपार्टमेंट से आपका कंप्लीट होगा, यहाँ डिपार्टमेंट का पूरा जो डिटेल्स है वो डिटेल्स है, जैसे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का है तो पटना साइंस कॉलेज के कैंपस में है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। यानी जो पीजी के जो सारे कोर्सेस होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट कैंपस हैं और हर कैंपस अलग अलग जगह सिचुएटेड है, जैसे बॉटनी का आपको पटना साइंस कॉलेज में सिचुएटेड है। इसी तरीके से केमिस्ट्री का है, यहाँ सारा क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम करना है और आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, आप ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है ये सारे थिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप फुलफिल कैपेबिलिटी आपके पास है, तो ये सारा थिंग्स को आप समझ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ मास्टर इन कोर्सेज का साइंस का पेपर था, इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो मास्टर पेपर इन आपको जो सोशल साइंस के पार्ट से उसमें आ जाएगा, आपको इंडियन हिस्ट्री के लिए क्या चाहिए, ज्योग्राफी के लिए क्या चाहिए, इसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए क्या चाहिए, इसके बाद नॉर्मल हिस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, साइकोलॉजी के लिए क्या चाहिए, सोशियोलॉजी के लिए क्या चाहिए, होम साइंस के लिए क्या चाहिए, सारा क्राइटेरिया का यहाँ मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 40% कम से कम हो देन आप एटलीस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात का यह भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपने जब कंप्लीट किया तो आपका ऑल ओवर मार्क्स 45% है, लेकिन जिस ऑनर्स से आपने कंप्लीट किया और जिसको आप आगे बनाना चाह रहे हैं, लेटर सपोज कि आप सोशियोलॉजी से आगे करना चाह रहे हैं और जब आप कंप्लीट किए थे अपना जो ग्रेजुएशन का पार्ट है, अगर उसमें आपका सोशियोलॉजी में 45% से कम होगा तो फिर ये आपको आगे की ओर ऑफर नहीं किया जाएगा, तो ये सब बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका जनरल कोर्सेस में है, ह्यूमैनिटीज़ में आपका अरेबिक में, बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, तो ये जो सारा डिटेल्स है इसी के अकॉर्डिंग काम होगा। यहाँ जो क्राइटेरियाज है क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग ही काम होना है, जो एलिजिबिलिटी है इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि रेंडमली चूज कर लीजिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस टाइम आप रजिस्टर होकर के पोर्टल पर लॉग इन करते हैं तो फिर उस टाइम ये सारा बात का ध्यान रखा जाता है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट भी होता है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको न्यू एप्लीकेशन सबमिट करना है और कैसे लॉग इन करके पूरा प्रिंट तक आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आपको निकालना है, फिर फर्दर कैसे प्रोसीड करना है, जो अभी आगे सारे वीडियो जाएंगे हम आपको आगे वीडियोस डिलीवर करते जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट भी होता है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हूँ, डायरेक्टली टच में हूँ, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी डेली आना जाना है, डेली क्लासेस वगैरह करना है, तो फिर आपके लिए आगे जो भी डिटेल्स आएंगे वो सारे डिटेल्स मैं आपको टू द टाइम डिलीवरी कर सकता हूँ, तो फिर ये सारा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एंड प्लीज़ अगर कम से कम एक से दो स्टूडेंट कम से कम स्टैंड अप हो और ये जो एप्लीकेशन सबमिट करने का जो प्रोसेस है जिसके लिए वीडियो मुझे बना करके आप लोग के लिए देना है, तो कम से कम एक दो स्टूडेंट्स तैयार हो जाए, सारे डिटेल्स हमसे कॉन्टैक्ट करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कॉन्टैक्ट करें, इसके बाद आपके एप्लीकेशन को सबमिट करने के साथ फिर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कर सकूँ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इस बात का मैं प्रॉपर ध्यान रखूँगा कि आपके प्राइवेसी को हाइड करके ही रखूँगा, मीन जो भी आपके सारे पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारा हाइड रहेगा, उस चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस फाइनल वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।